पहले 1994 में कुर्मी चरणक रैली करके एक महासभा हुई थी, उसमें कुर्मी समाज के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए और आना स्वतः या स्पॉन्टेनियस जो समझा जाए वो था, और वो कभी भी किसी राजनीतिक मकसद से नहीं था, चेतना जगाने के मकसद से था। फिर से उसी चीज को पुनर्जीवित करने की बात हो रही है ताकि चेतना लुप्त ना हो। और पुरस्कार का जहां तक प्रश्न है, उसमें लोगों को देखकर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, ये लोग पुरस्कार पाए हैं, ये कुछ कर सकते हैं सामाजिक लेवल पर, इतने उद्देश्य मेन है। साल तो नहीं सोचा गया, आगे लाने के लिए एक सांकेतिक रूप से हम लोग कर रहे हैं, और इस के माध्यम से हम लोग पूरे बिहार से 151 आदमी को चिन्हित कर किए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम किए हैं, हमारे समाज के लिए डेवलपमेंट के लिए काम किए हैं, उनको और अच्छा ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम किए हैं, उनको चिन्हित करके हम लोग पुरस्कृत करने का काम करेंगे। अभी डॉक्टर साहब ने भी जो कहा कि हम लोग समाज को और जागृत करने के लिए जो पुरस्कार देने का मतलब है कि और भी लोग देख करके आगे और अच्छा काम करें, जिससे कि हमारा समाज और आगे जाए, यही इसी उद्देश्य से 19 फरवरी को हम लोग इस कार्यक्रम को